हेलो गाइज, वेलकम टू F90 स्पोर्ट्स यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम ला रहे हैं ISL से जुड़ी कुछ लेटेस्ट ट्रांसफर अपडेट्स। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, वीडियो के शुरुआत में हम NUFC से जुड़ा एक ट्रांसफर अपडेट देने जा रहा हूं। NUFC के ऑस्ट्रियन मिडफील्डर मार्को सहाने को लेके एक बड़ा अपडेट देने जा रहा हूं। मार्को सहाने जो जनवरी ट्रांसफर विंडो में लास्ट ISL NUFC से जुड़े थे, उनका कॉन्ट्रैक्ट जून एंड में खत्म हो चुका है और खबर निकल के आया है कि वे ऑस्ट्रियन क्लब SV स्ट्रिफिंग के साथ एक साल के कॉन्ट्रैक्ट में 2023 के जून महीने तक जुड़ गए हैं। हालांकि अब तक NUFC से कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया है, बट कुछ वेबसाइट में SV स्ट्रिफिंग स्क्वाड लिस्ट में हमें सहाने को इंक्लूड किया दिखा गया है। तो अभी NUFC में मार्को सहाने का फ्यूचर क्या होगा, ये देखना दिलचस्प होगा। नेक्स्ट अपडेट है केरला ब्लास्टर FC से। केरला ब्लास्टर FC ने साइन किया है फॉर्मर ओडिशा FC स्पेनिश सेंटर बैक विक्टर मोंगिल को। 29 ईयर ओल्ड ये प्लेयर ने इंडियन फुटबॉल एनवायरनमेंट में 2020 ईयर में ATK के थ्रू इंडिया में एंट्री की और 2021-22 सीजन में ओडिशा के साथ जुड़े। मोंगिल ने स्पेन के प्रीमियरा RFEF, सेगुंडा बी, तारसेरा RFEF जैसे लीग में वालाडोलिद बी, लेवेंटी बी, एटलेटिको मैड्रिड बी, एल्कोयानो मेरिडा जैसे क्लब के ओर से खेला है। साथ में रियल वालाडोलिद क्लब की तरफ से स्पेन टॉप टायर लीग ला लीगा में भी खेला है। इसके अलावा जॉर्जियन टॉप टायर लीग इरोबनुली लीगा में FC डायनामो टिब्लिसी के तरफ से मशक्कत किया है। ये खिलाड़ी स्पेन के अंडर 17 टीम के भी हिस्सा रह चुके हैं। ओडिशा FC ने साइन किया है 32 ईयर ओल्ड स्पेनिश विंगर विक्टर रोड्रिगेस को। FC बार्सिलोना के यूथ प्रोडक्ट विक्टर अपने करियर के शुरुआत में बार्सिलोना लेफ्ट बैक जॉर्डी अल्बा के साथ FC बार्सिलोना में काफ़ी समय बिताए। इन्होंने अपने करियर में कई स्पेनिश क्लब के साथ जुड़े रहे, जहां से उन्होंने स्पेनिश सेगुंडा डिवीजन फोर्थ टायर फिफ्थ टायर में पार्टिसिपेट किया। उन क्लब में बाराओना, जराउजा, स्पोर्टिंग गियोन जैसे बड़े बड़े क्लब्स के नाम शामिल है। करियर के बीच में इन्होंने ला लीगा में LC गताफी जैसे बड़े बड़े क्लब में खेले और 2017-19 के दौरान इन्होंने अमेरिकन MLS में सियाटल संडर्स के साथ भी खेले और 52 अपीयरेंस में 11 गोल भी दागे। MLS के बाद इनका फिर से ला लीगा के LCCF में वापसी हुई 2021 सीजन में और फाइनली अभी ओडिशा FC के साथ जुड़ गए। According to me, Victor Rodriguez in this ISL will be very brilliant signing by Odisha FC. Next update है ATK Mohan Bagan के तरफ से। ATK Mohan Bagan का most promising defender Espinosa Arroyo, जिन्हें हम टीरी के नाम से जानते हैं, वे ATK Mohan Bagan से officially part ways हो चुके हैं। टीरी 2016 से ISL के साथ जुड़े थे और एथलेटिको कोलकाता, जमशेदपुर FC, ATK Mohan Bagan के तरफ से ISL में अब तक 100 अपीयरेंस करने वाले प्लेयर का रिकॉर्ड भी अपने नाम शामिल किए। आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आया। अगर पसंद आया तो एक छोटा सा लाइक ज़रूर कीजिए और अपने फुटबॉल फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू।